तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको बरंगीख्ता करते रहते हैं, तो तुम उन पर अजाब के लिए जल्दी न करो, और हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। जिस रोज हम परहेजगारों को खुदा के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को दोजख की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने खुदा से इकरार लिया हो और कहते हैं खुदा बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों, ये तो तुम बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस इफ्तरा से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि उन्होंने खुदा के लिए बेटा तजवीज किया और खुदा को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। तमाम शख्स जो आसमानों और जमीन में हैं सब खुदा के रूबरू बंदे होकर आएंगे। उसने उन सबको अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को शुमार कर रखा है, और सब कयामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए, खुदा उनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर देगा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान तुम्हारी जबान में आसान नाजिल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो और झगड़ालुओं को डर सुना दो, और हमने उनसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है, भला तुम उनमें से किसी को देखते हो या कहीं उनकी भनक सुनते हो।